नमस्कार, असम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आज हम चर्चा कर रहे हैं राम मंदिर के विवाद की। जैसा कि सभी जानते हैं, 1990 से राम मंदिर का विवाद चला आ रहा है और इसके फैसले कई बार हो चुके हैं और कई बार रद्द भी किए गए हैं। हाल ही में जब भी चुनावों की बात की जाती है तब उसमें राम मंदिर के हक की पेशना भी की जाती है। हर विवाद में, हर इलेक्शंस में हमेशा सबको राम मंदिर की सबसे बड़ा विवाद ही नजर आता है। इसके चलते कई लोगों ने राम मंदिर के फैसले की सुनवाई करने व इस पे फैसला अनुचित करने के लिए भी कहा है, परंतु ये फैसला जिसके भी पक्ष में आएगा उसके दूसरे पक्ष वाले विवाद जरूर करेंगे। अगर इसका फैसला हिंदू पक्ष में आता है तो मुस्लिम पक्ष इसका विवाद जरूर करता है, और अगर इसका फैसला मुस्लिम पद के समक्ष आता है तो हिंदू पद उसका विवाद जरूर करेगा। तो सभी से निवेदन करने की आलोचना भी करी जा रही है कि सभी इस फैसले को सुनिश्चित या अनुश्चित मानने का फैसला एक तरफा ना करें और इसके होने वाले दंगों पे भी साथ ना दें। जनता से अनुरोध यही रहेगा कि इस विवाद पे जिसकी भी साइड भी ये फैसला जाएगा, सभी को शांति बनाए रखने का ही आवेदन कर रही है सरकार भी, जनता भी, और पूरे देश में शांति बनाए रखने के लिए आलोचना भी की जा रही है। इसके तहत कई लोगों ने कई मोर्चे भी निकाले हैं कि राम मंदिर एक मंदिर ही है, वह एक दरगाह भी है, वह एक चर्च भी है। कई जगहों पर हो रहे राम मंदिर के इस विवाद ने कई लोगों को नुकसान भी पहुंचाया है, तो इसलिए इस फैसले का अनुचित विचार ना करें और जिस हक में भी फैसला जाए उसका आदर और सम्मान करते हुए शांति बनाए रखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।